हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू असाइनमेंट गुरु। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले दिसंबर 2019 एग्जाम फॉर्म के बारे में। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरह से जो है इग्नू में अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं अगर आप दिसंबर 2019 में एग्जाम देना चाहते हैं। तो गाइस, मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ, एक एक स्टेप बताने वाला हूँ पेमेंट प्रोसेस तक कि आप किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं, किस तरह से आपको जो अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है। सो गाइस, मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही गाइस हमारा चैनल इग्नू असाइनमेंट गुरु को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड गाइस साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, एंड गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले अपना एग्जाम फॉर्म जो है ओपन कैसे करना है। गाइस, एग्जाम फॉर्म ओपन करने के लिए आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है, उसके बाद रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पे लिखा होगा टर्म एंड एग्जाम, आपको जो है इस पे क्लिक करना है। सो गाइस, इसका लिंक जो है मैं डायरेक्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी सीधा इसे ओपन कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन की। सो गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं अपने टर्म एंड का, आपने न्यू एडमिशन लिया है, सो गाइस मेक श्योर आप जो है सारी सारी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़े। गाइस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। गाइस, कुछ चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखी हुई है जो कि आपको रीड करना जरूरी है। चलिए गाइस, मैं आपको थोड़ा इसका ब्रीफली बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। गाइस, आप पढ़ सकते हैं। गाइस, आपको अपना एडमिशन स्टेटस चेक करना है, सो गाइस आप यहाँ पे सिंपली जाके अपना एडमिशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है, गाइस देख सकते हैं आप, आपको टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2019 के लिए अपियर होना है, उसके लिए एग्जाम फॉर्म है। गाइस, और सारे के साथ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको असाइनमेंट जो है सबमिट करने कंपलसरी है, नहीं तो आपको जो है एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते। एंड गाइस, ये सही बात भी है, अगर आपसे आगे चल के पूछेगा एग्जाम फॉर्म में कि आपने असाइनमेंट सबमिट किया है कि नहीं किया है, अगर गाइस आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तब भी आप अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट गाइस एक चीज बता दो, असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है, अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए तो गाइस आप जो है पास नहीं होंगे, वहां पे जो है आपका ग्रेड कार्ड में नॉट कंप्लीट शो होगा। सो गाइस असाइनमेंट सबमिट करना एक दिन में कंपलसरी है। एंड गाइस आप सारी चीज नीचे पढ़ सकते हैं। गाइस साथ में गाइस यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपका कोई कोर्स जो है आपके वहाँ पे शो नहीं होता है एग्जाम फॉर्म में, जब भी आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे, सो गाइस आप जो है इस नंबर पे उन्हें मेल कर सकते हैं या फिर आप जो है इस फोन नंबर पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। गाइस ये देखिए गाइस न्यूज में जो नोट आया हुआ है, गाइस इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। गाइस, जो भी FST का और BHSF ये दोनों जो है फाउंडेशन कोर्सेज है, गाइस इन दोनों के एग्जाम जो है पहले सेम डेट पे होते थे, बट गाइस अब जो है वो चेंज कर दिया, आपका 30 दिसंबर को आपको BA BCOM का एग्जाम होगा FST का, एंड गाइस 7 दिसंबर को आपका जो है BSc एंड अदर प्रोग्राम्स का जो है एग्जाम होगा FST का, एंड BSHF 101 का भी गाइस सेम ही आप देख सकते हैं BA का BCOM का आपका 9 तारीख को होगा, एंड गाइस 18 तारीख को आपको BSc एंड अदर प्रोग्राम्स का जो है कोर्स होने आपका एग्जाम होगा। एंड गाइस नीचे आप पढ़ सकते हैं, गाइस आपको बता दूंगा एग्जाम फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको 72 आवर्स तक का वेट करना होगा। गाइस उसके बाद जो है आपका एग्जाम फॉर्म स्टेटस जो है वो शो हो जाएगा, एंड गाइस आपको जो है सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका ये ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको अपने एनरोलमेंट नंबर टाइप करना है, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो गाइस वो जो आपको शो हो जाएगा कि आपका सक्सेसफुली एग्जाम फॉर्म सबमिट हुआ या फिर नहीं हुआ है। गाइस आपको बता दूं, आपको 150 रुपीज जो है पर कोर्स पे करने होंगे एग्जाम देने के लिए, चाहे वो प्रैक्टिकल का एग्जाम हो चाहे वो आपका थ्योरी का एग्जाम हो। एंड गाइस ये जो पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड UPI से आप इसे कर सकते हैं। गाइस एक चीज और, पहले इग्नू में ऐसा होता था कि आप जो है किसी मीडियम में एग्जाम लिख सकते थे, बट गाइस अब इसको भी चेंज कर दिया गया है। गाइस अब आपको जो है जून से मीडियम आपने सेलेक्ट किया था एडमिशन लेते वक्त, आपको जो है उसी में अपना एग्जाम लिखना होगा। गाइस इसके बाद आप थोड़ी डिटेल्स जो है जरूर रीड कर लीजिएगा, उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे टिक करना है, एंड जो है आपको प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन फॉर्म पे जो है क्लिक कर लेना है। सो गाइस देखिए, उसके बाद जो है सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट विल बी अवेलेबल वेरी सून। सो गाइस जो से प्रोग्राम्स अगर कोई आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नहीं शो रहा है, सो गाइस आप थोड़ा वेट कीजिएगा, उसको जो है इग्नू अपडेट कर देगा आपकी वेबसाइट पे। सो गाइस आप नीचे पढ़ सकते हैं, पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको जो है यहाँ पे अपना मैनुअली प्रोग्राम लिखना है। गाइस प्रोग्राम लिस्ट देखने के लिए प्रोग्राम कोड के आपको जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू प्रोग्राम कोड। सो गाइस आपको जो है इस पे क्लिक करना है, अब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे पूरी पूरी डिटेल जो है नीचे देख सकते हैं। गाइस सारी सारी डिटेल्स आपकी लिखी हुई है कि कौन कौन से प्रोग्राम जो अवेलेबल है इस टाइम पे अपना एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। एंड गाइस आपको बता दो, जो भी आपके न्यू प्रोग्राम से न्यू सिलेबस जो है CBCS के अंदर, सो गाइस उसका जो है अभी यहाँ पे कोई भी डिटेल्स नहीं है। गाइस यहाँ पे BA GE BCOM GE एंड BSc GE का अभी यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। सो गाइस जैसे उसका आएगा गाइस उसके लिए भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा गाइस अपने यूट्यूब चैनल पे। सो मेक श्योर आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें। सो गाइस चलिए सिंपल यहाँ पे मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। गाइस सबसे पहले मैं लिख देता हूँ BCA, उसके बाद जो है आपको सिंपल यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर टाइप करना है, उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग, उसके बाद जो है आपको सिंपल यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है।
सो गाइस देखिए, जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया गाइस, मेरे जो है सारी सारी डिटेल जो है शो हो चुकी है गाइस। देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम कोड, एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है, मोड ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है गाइस। उसके नीचे देखिए आप लिखा हुआ है एग्जाम सेंटर। तो गाइस सबसे पहले जो है आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है गाइस। पहले जो है आपको एक एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होता था, बट गाइस अब से जो है चेंजेस कर दिए गए एग्जाम फॉर्म में। अब से जो है आपको तीन एग्जाम सेंटर चूज करने होंगे गाइस। इग्नू में जो है आपको कोई सा भी एग्जाम सेंटर मिल जाएगा गाइस, वो डिपेंड करता है उसके अवेलेबिलिटी पे कि गाइस कितने सीट्स अवेलेबल है। एंड गाइस ये सब इग्नू देख के जो है आपको कोई सा भी आपका एग्जाम सेंटर दे देगा। सो गाइस यहाँ पे जो है देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू सेलेक्ट एग्जाम सेंटर लिस्ट। सो गाइस आपको जो है इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए गाइस सारी सारी लिस्ट जो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे से जो है सिंपली अपना एग्जाम सेंटर देख सकते हैं गाइस, कहाँ पे जो है आपको अपना एग्जाम देना। फॉर एग्जाम्पल के लिए गाइस मैं आपको दिल्ली का खोल के दिखाता हूँ। दिल्ली तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली की सारी सारी लिस्ट आ गई है गाइस। आप सिंपल यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं जहाँ पे भी आपका आपको एग्जाम देना है गाइस। देखिए फॉर एग्जाम्पल की दिल्ली का जैसे कि पीतमपुरा का दे रखा है 29003। सो आज मैं सिंपल यहाँ पे जाके इसको जो है फिलअप कर दूंगा 29003। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको तीन सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए मैंने जो है तीन अपने एग्जाम सेंटर को जो है चूज कर लिया गाइस। उसके बाद गाइस आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आपका लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम लिखा हुआ होगा, उसके बाद आपका एड्रेस सिटी वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ होगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। सो गाइस ये जो है आपको सेलेक्ट करनी है मैनुअली। सो सिंपल यहाँ पे जाके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है गाइस। इसके बाद गाइस जो आपकी ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर लिखा हुआ है, उसके नीचे आधार नंबर लिखा हुआ है, ये जो है ऑप्शनल है, आप चाहे तो फिल कर सकते हैं चाहे तो आप नहीं फिल कर सकते। सो गाइस मैं जो है फिल नहीं कर रहा हूँ। सो गाइस उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है आपको कोर्स कोड सेलेक्ट करना है जिसके लिए भी आप जो है एग्जाम देना चाहते हैं। सो गाइस आप यहाँ पे सिंपली पढ़ सकते हैं कोर्स कोड फॉर विच अपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और फेल्ड इन द अर्लियर टीज। सो गाइस आपको बता दूं, ये जो है एग्जाम फॉर्म जो भी स्टूडेंट्स दिसंबर में एग्जाम देना चाहता है, जिनकी बैक भी आई थी, जिनको दोबारा से पेपर देना गाइस, जो फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं कर पाए थे वो दोबारा भी एग्जाम देना चाहते हैं। सो गाइस वो भी जो है यहाँ पे अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सो गाइस चलिए मैं आपको कोर्सेज सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए गाइस मैं आपको अपने तीन कोर्सेज जो है सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ जिनके लिए मुझे एग्जाम देने हैं। तो गाइस देखिए मैंने जो है तीन कोर्स कोड जो है वो सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा आर असाइनमेंट सबमिटेड फॉर द अबव कोर्सेज यस और नो। सो गाइस ये जो है कंपलसरी है, आपको जो है यहाँ पे यस ही चूज करना है, चाहे आपने अपने असाइनमेंट सबमिट किए हो चाहे नहीं किए हो। गाइस मेक श्योर, आपको दोबारा बता दूं, आपको जो है असाइनमेंट सबमिट करना है इग्नू में कंपलसरी है गाइस। अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं सो गाइस आप जो है पास नहीं हो पाएंगे। गाइस मेक श्योर आप टाइम पे जो है अपने असाइनमेंट सबमिट कर दे इग्नू में। तो इस टाइम पे जो आपको यस भरना है, चाहे आपने असाइनमेंट सबमिट किए हो चाहे आपने असाइनमेंट सबमिट ना किए हो। सो गाइस इसके ऊपर इसके बाद देख लेते हैं गाइस, कुछ और डिटेल्स भी जो है यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं गाइस। उसके बाद जो है गाइस आपको यहाँ पे देखिए सबमिट लिखा है, इस पर जो है क्लिक करना है। तो चलिए गाइस मैं आपको सबमिट पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। सो गाइस जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, देखिए गाइस ये जो है पेज ओपन हो चुका है गाइस। यहाँ पे देखिए आप पूरी पूरी में जो है डिटेल लिखी हुई है। सो गाइस आपको एक चीज और बता दूं, आपने एक बार एग्जाम फॉर्म भर दिया, सो गाइस उसके बाद जो है आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप जैसे कि अपना आप फ्यूचर में सोचे कि आपने अभी के लिए एग्जाम फॉर्म भर दिया, बट गाइस आप बाद में अपना एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं, सो गाइस वो जो है आप नहीं कर सकते हैं गाइस। सो मेक श्योर आप जो भी डिटेल्स फिल करेगा गाइस उसे एक बार रीचेक जरूर कर लेगा गाइस, अपने पेमेंट करने से पहले वो जो है चेंज नहीं होंगी। सो गाइस देखिए यहाँ पे सारी सारी डिटेल्स लिखी हुई है गाइस, एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है, जो भी मैंने एग्जाम सेंटर कोड किया है, प्रेफरेंस वन प्रेफरेंस टू प्रेफरेंस थ्री गाइस तीनों के तीनों जो यहाँ पे आ रहे हैं गाइस। उसके बाद नेम आ रहा है, एड्रेस लिखा हुआ है, सारी सारी सिटी, पिन नंबर, फोन नंबर लिखा हुआ है, प्रोग्राम लिखा हुआ है। एंड गाइस मेक श्योर आप जरूर चेक कर ले दोबारा से, जिन भी कोर्सेज के लिए आप जो है एग्जाम देना चाहते हैं गाइस वो जो है सारे सर सिलेक्ट हो चुके हैं। देख सकते हैं आप एमसीएस 11, 12 एंड 13 एंड 150 रुपीज जो है आप मेरा पर कोर्स का लगेगा गाइस। एंड नंबर ऑफ कोर्स सिलेक्टेड लिखा हुआ है गाइस यहाँ पे 3, जो मैंने 3 सेलेक्ट किया गाइस। पेड में लिखा हुआ है यहाँ पे, पेमेंट मेथड में कार्ड लिखा हुआ है। एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो टोटल फी मुझे पे करनी है वो 450 करनी है। सो गाइस 150 × 3 450 होता है, तो सिंपली मुझे 450 रुपीज जो पे करने हैं। एंड गाइस देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है रेड में, मॉडिफिकेशन एंड एडिटिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म इज नॉट अलाउड आफ्टर सबमिशन। सो गाइस मेक श्योर आप पहले कंफर्म हो जाएगा जिस भी आपको एग्जाम सेंटर के यहाँ पे जहाँ पे भी आपको एग्जाम देना है। सो गाइस मेक श्योर आप सही से अपने एग्जाम सेंटर भरे गाइस, तो बाद आप सब कुछ चेक कर ले, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड जो भी कोर्सेज के लिए आप जो है एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं गाइस। उसके बाद आप जो है पेमेंट करें। सो गाइस पेमेंट करने के लिए देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, HDFC एंड IDBI बैंक। सो गाइस काफी स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं कि हम सिर्फ HDFC या IDBI बैंक से ही पे कर सकते हैं। सो गाइस इसका आंसर है नहीं, वैसे ये सिर्फ पेमेंट गेटवेज है। सो गाइस इस पे जो है मैं HDFC पे क्लिक करूंगा गाइस। सो गाइस जैसे आप HDFC पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आप किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ HDFC का ही कार्ड चाहिए। तो
गाइस इसके बाद जो है मैं HDFC पे क्लिक करूंगा, उसके बाद जो है आपको ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पे नाउ, इस पर जो है क्लिक करना है। चलिए गाइस मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। सो गाइस जैसे आप पे नाउ पे क्लिक किया, देखिए गाइस मेरे लिए जो है न्यू पेज ओपन हो चुका है गाइस, जहाँ पे जो है मेरा ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है गाइस। आप जो है इसको भी संभाल के रखिए गाइस, मे बी आपके फ्यूचर में काम है, अगर कोई भी आपको इश्यू होता है गाइस ट्रांजेक्शन में, तो आप जो है इसको जरूर संभाल के रखें। एंड गाइस सारी से डिटेल्स जो है दोबारा से शो हो गई है गाइस। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है 450 रुपए जो मैंने तीन को सेलेक्ट किए थे। इसके बाद जो है आपको देखिए लिखा है मेक पेमेंट, आपको जो है इस पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे मैंने मेक पेमेंट पे क्लिक किया, देखिए गाइस ये जो है पेमेंट का मेरा गेटवे ओपन हो चुका है गाइस, जहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट लिखा हुआ है गाइस, जहाँ पे मेरा ऑर्डर नंबर जो है लिखा हुआ है गाइस, मर्चेंट आप देख सकते हैं, इग्नू की वेबसाइट जो है यहाँ पे लिखी हुई है गाइस। उसके बाद लिखा हुआ है देखिए गाइस पे विद लिखा हुआ है, आपको जो है यहाँ पे पे विद पे क्लिक करना है गाइस। जैसे आप पे विद पे क्लिक करेंगे, देखिए गाइस यहाँ पे जो है पहले ऊपर लिखा हुआ है HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, HDFC बैंक डेबिट कार्ड। अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो गाइस आप सिंपल इसे सेलेक्ट कीजिएगा, या फिर गाइस आपके पास किसी और बैंक का डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है तो गाइस आपके नीचे दो ऑप्शन दे रखे देख सकते हैं आप, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड। सो गाइस इस पर जो आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर गाइस देखिए आप नेट बैंकिंग लिखा है, अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पे करना चाहते हैं तो आपको जो है इस पे क्लिक करना है, या फिर गाइस आप UPI के थ्रू भी करना चाहते हैं तो आपको जो है UPI पे क्लिक करना है। सो गाइस जैसे आप डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपसे यहाँ पे पूछेगा सेलेक्ट करना है आपको डेबिट कार्ड का टाइप कौन सा। जो गाइस जोन सा भी आपके पास डेबिट कार्ड है, आप मास्टर डेबिट कार्ड है, वीजा स्टेट का, या फिर कोई सा भी रुपए का कार्ड है, सो गाइस आपको जो है सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद आपको नेम डालना है, आपको एक्सपायरी डालनी है, CVV नंबर डालना है, एंड गाइस जो है कैप्चा शो रहा है आपको जो है यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। सो गाइस जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे गाइस आपके जो है पेमेंट हो जाएंगे सक्सेसफुली गाइस। उसके बाद जो है गाइस आपको एक अपना कंट्रोल नंबर मिलेगा, सो गाइस मेक श्योर जो है आप अपना कंट्रोल नंबर संभाल के रखिए गाइस, इन केस गाइस अगर आपकी पेमेंट नहीं होती है या फिर आपका एग्जाम फॉर्म में स्टेटस जो है शो नहीं होता है कि आपने सबमिट किया था कि नहीं किया था, सो गाइस आप जो है कंट्रोल नंबर से एक दूसरे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो जो है आपकी हेल्प करेंगे। एंड गाइस अगर आपको कोई और भी डाउट आता है अपना एग्जाम फॉर्म भरने में, या फिर कोई और भी डाउट है आपको किसी भी चीज से रिलेटेड, सो गाइस आप जो है इस वीडियो के नीचे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर गाइस आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी जो है हमसे मैसेज में पूछ सकते हैं कोई भी अपना डाउट। गाइस अगर आपको इग्नू में असाइनमेंट बनाने में कोई भी इशू होता है, सो गाइस आप जो है हमारा प्ले स्टोर पे से या फिर आपके iOS ऐप स्टोर पे से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गाइस, उस पे से आप जो है सिंपली अपने इग्नू के असाइनमेंट जो है सॉल्व डाउनलोड कर पाएंगे।